हेलो दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की स्वागत किया जाता है कोरोना वीडियो में। परमेश्वर आपको आशीष दे। इस वीडियो को ध्यान से देख लेना, ये वीडियो आपके लिए बड़े काम का है। अगर आपने इस वीडियो को इग्नोर कर दिया, लास्ट तक नहीं देखा, तो बाद में लास्ट में आपको पछताना पड़ जाएगा मेरे परिजनों, क्योंकि समय कम है, समय कठिन आने वाले हैं, समय कम है, दिन भयानक आने वाले हैं मसीह विरोधी के दिन में। इसलिए अपना जो मन है, तन है, धन है, मन है, सब यीशु मसीह में लगाइए, क्योंकि परमेश्वर आपसे लेखा लेगा। जो टाइम, जो समय परमेश्वर दे रहा है, दिखा रहा है आपको, इस समय का, इस टाइम का बदला परमेश्वर लेखा आपसे लेगा। क्योंकि यीशु ने कहा है, अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं, दिन भयानक आने वाले हैं, समय कम है और दिन भयानक आने वाले हैं। यीशु ने कहा है, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो, तुम उन समझदार कुमारियों की तरह, तुम उन 5 समझदार कुमारियों की तरह तैयार रहना, जागते रहना, प्रार्थना करते रहना, जागते रहना, नित्य प्रार्थना में लगे रहना, क्योंकि तुम नहीं जानते हो वह समय कब आएगा, उस दिन या उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता। मेरे प्रियजनों, आप किसी हालात में हैं, बुरे विचार में हैं, टेंशन डिप्रेशन में हैं, डर चुके हैं, घबरा चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, लाचार हो चुके हैं, तो आज आपको इस प्रार्थना को सुन लेना है। 5 मिनट निकाल के इस प्रार्थना को सुन लेना। परमेश्वर आपके बड़े कामों को खोलेगा, परमेश्वर आपके जीवन में बड़े कामों को करेगा, मिराकल करेगा। मिराकल करना परमेश्वर है। आपके आंसुओं को पोंछ देगा, आपकी घटी को, तंगी को, परेशानी को परमेश्वर दूर करेगा। मेरा यहोवा आपकी फिक्र करने वाला परमेश्वर है। मेरा परमेश्वर आपकी फिक्र करता है, परमेश्वर आपकी फिक्र करता है। वो महान है, वो जीवित है, उसकी करुणा सदा की है, अनंत काल की है, वो राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है, वो सेनाओं का यहोवा है, सृष्टिकर्ता मालिक है। उसके कहर से, उसके क्रोध से, उसके प्रकोप से पृथ्वी कांपती है, जाति जाति के लोग उसके कुल्हड़ को नहीं सह सकते हैं। शैतानी दुष्ट आत्मा, गंदी बदरुआ दुष्ट आत्माएं यीशु मसीह से डरती हैं, थरथराती हैं, घबराती हैं और यीशु का नाम लेती हैं, विश्वास करती हैं और कहती हैं, यीशु ही परमेश्वर है, यीशु ही परमेश्वर है, यीशु ही मुक्ति देता है, यीशु है करता है, सृजनहार परमेश्वर है। मेरे पिता, जितने इस प्राणों को सुनने जा रहे हैं, उनकी समस्याओं को आप पूरा करने में परमेश्वर है। मेरे प्रियजनों, यदि आपका कोई काम नहीं बन रहा है, कामों में सफलता नहीं मिल रही है, चिल्ला रहे हो, रो रहे हो, उदास हो, बेचैनी में पड़े हो, तो आज आपको यीशु मसीह से बोलना है, परमेश्वर से बोलना है। यीशु मसीह आपको आजाद कर देगा, हील कर देगा, आजादी देगा, हीलिंग देगा। परमेश्वर ऐसी हीलिंग देगा, ऐसी आजादी देगा। परमेश्वर आपको देने वाला परमेश्वर है। आपकी गोद में आपका फल आएगा, आपकी गोद में आपकी फल आएगा, यीशु के नाम में। परमेश्वर आपको आजाद करेगा, यीशु मसीह आपको आजाद करेगा, परमेश्वर आपको हीलिंग देगा, रिहाई देगा, यीशु के नाम में। यीशु ने कहा है, तुम मेरे नाम से कुछ भी मांगते हो तो मैं तुम्हारे लिए वैसा ही करने वाला परमेश्वर हूँ, वैसा ही कर दूंगा। यीशु मसीह ने कहा, मैं तेरे मन की बातों को जानता हूँ, तेरे हृदय की बातों को जानता हूँ, तुझे क्या चाहिए, तेरी क्या इच्छाएं हैं, क्या आवश्यकताएं हैं, मैं जानता हूँ। मैं तुझे क्यों नहीं दूंगा, तू पहले मेरे धर्म और राज की खोज कर ले, तो ये तुझे सारी वस्तु इनाम में, गिफ्ट में, मुफ्त में ही मैं तुझे दे दूंगा, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तेरा यहोवा परमेश्वर हूँ, मैं तेरा परमेश्वर हूँ। तेरे मांगने से पहले जानता हूँ तेरी क्या जरूरतें हैं, क्या इच्छाएं हैं, क्या आवश्यकताएं हैं। मेरे प्रियजनों, परमेश्वर जानता है। आपको यीशु मसीह से बोलना है, परमेश्वर से बताना है। आपकी कोई भी समस्या है या कोई भी जरूरत है, बीमारी है, लाचारी है, यदि आपको बेबी बॉय की ब्लेसिंग नहीं मिल रही है, तो आज आपको यीशु राजा से बताना है। वो राजाओं का राजा है, जिसने अंधों को आंख दिया, मुर्दों को जिलाया, लंगड़ों को टांग दिया, कुड़िये पाहुंचों को शुद्ध किया। ओ परमेश्वर, आपका फेवर करना परमेश्वर, आजादी देगा, आपके बंधन को खोलेगा मेरा परमेश्वर, आजाद करेगा यीशु के नाम में। मेरे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ, जितने लोग इस प्रार्थना को सुनने जा रहे हैं मेरे पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ पवित्र आत्मा जी, जो चिल्ला रहे हैं, रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, जो अपनी गरीबी में जकड़े हैं, उनकी गरीबी है, परेशानी है, गरीबी यीशु के नाम में चली जाए, जाती रहे यीशु नासरी के नाम में। मेरे परमेश्वर, आपका वचन कहता है, मांगोगे तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तुम पाओगे, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोल दिए जाएंगे आशीष के दरवाजे। यीशु के नाम में मांगते हैं, यीशु के नाम में मैं मांगता हूँ, इनकी गरीबी, इनकी तंगी, इनकी परेशानी यीशु के नाम में आजाद हो जाए,
चली जाए, यीशु के नाम की गरीबी जाए, स्वर्गीय आशीष से खुल जाए, स्वर्ग के झरके खुल जाए, बंधा शिशु के दरवाजे खुल जाए, बंधा शिशु के दरवाजे खुल जाए, यीशु के नाम में खुल जाए। ओपन द डोर यीशु के नाम में, वो दरवाजे खुल जाए, वो दरवाजे खुल जाए, वो दरवाजे खुल जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। आप राजाओं के राजा हैं, आप प्रभु के प्रभु हैं, आप सेनाओं के यहोवा हैं, आप सृष्टिकर्ता मालिक हैं, आप राजाओं के राजा हैं, आपसे सब कुछ हो सकता है। असंभव को संभव करने यहोवा जुलाओर, जो इंसान से नहीं हो सकता है, जो मनुष्य से नहीं हो सकता है, परमेश्वर पिता आपसे हो सकता है। यीशु नासरी के नाम से इनकी गरीबी खत्म हो जाए। मेरे परमेश्वर में प्रार्थना करता हूँ उन घरों के लिए जिन घर में दुष्ट आत्माओं के बंधन है, काला जादू हरे कराधरा के बंधन है, दुष्ट आत्माओं गंदी बदरुहा के गंदी आत्माओं के बंधन है, यीशु के नाम में ये बंधन इनके घरों से आजाद हो जाए, वे गंदी बदरुहा जल जाए, फायर फायर यीशु के नाम में वे बंधन जल जाए, यीशु के नाम में ये बंधन जल के भस्म हो जाए। मैं भस्म करता हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम में, ये रिहाई पाए यीशु के नाम में, रिहा हो जाए, इनके घर आजादी पाने पाए, वो आजादी यीशु के नाम में आ जाए। पवित्र आत्मा जी आप छुएं और आजादी दीजिए यीशु के सामर्थ्य नाम में। मेरे पिता मैं प्रार्थना करता हूँ जो इस वक्त इस प्रार्थना को सुन रहे, पूरे विश्वास के साथ मोबाइल पे सुन रहे, मेरे परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम से, मेरे परमेश्वर मेरे पिता परमेश्वर, जो बीमार है, जो हॉस्पिटल में एडमिट है, जो खाट पे, जो बेड पर पड़े हैं, रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, बिलख रहे हैं, अपनी खाट अपने आंसू से भिगो रहे हैं, यीशु के नाम में इनकी बीमारी चली जाए, ट्यूमर गिल्टियाँ रसोलिया पथरियाँ बाहर आ जाए यीशु के नाम में। और पवित्र आत्मा जी आप इनका बोझ उठाइए, आपका दाहिना हाथ, स्वर्ग के दाहिना हाथ, बलशाली हाथ यीशु के सामर्थ्य नाम से छू ले मेरे परमेश्वर। मुर्दों को जिलाने ले, अंधों को आंख देने, दृष्टि देने ले परमेश्वर, मुर्दों को जिलाने ले यहोवा जुलावर, असंभव को संभव करने ले परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम से। मेरे परमेश्वर ये आजाद हूँ, इनकी बीमारी चली जाए, जल जाए, जल जाए। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। पवित्र 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 पवित्र, आप राजाओं के राजा हैं, आप प्रभु के प्रभु हैं, आप सेनाओं की जोमा, आप सृष्टिकर्ता मालिक ईश राजा। मेरे पिता में प्रार्थना करता हूँ मेरे परमेश्वर उन भाई बहनों के लिए, मेरे परमेश्वर जो जॉब की तलाश में है, नौकरी की तलाश में है, नौकरियाँ नहीं मिल रही, जॉब नहीं मिल रही, मेरे परमेश्वर यीशु के सामर्थ्य नाम से मेरे परमेश्वर इन्हें जॉब की ब्लेसिंग मिले यीशु के सामर्थ्य नाम में। पिता ने नौकरियाँ दीजिए परमेश्वर, ये किसी जातियों का उधार सहायता ना लेने पाए, मदद ना लेने पाए यीशु पिता मेरे परमेश्वर, या आपके पीछे आए सबको छोड़ छाड़ के मेरे पिता आप इनका जीवन संभालिए, ये टूटने बिखरने ना पाए, ये टूटने बिखरने ना पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मेरे परमेश्वर ने जॉब के ब्लेसिंग यीशु के नाम में दीजिए मेरे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे परमेश्वर ये बहुत सारी जातियों को उधार दिले बने यीशु के सामर्थ्य नाम में। मेरे पिता मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे परमेश्वर जो पति पत्नी के बीच में मेरे पिता लड़ाई झगड़े होते हैं, यीशु के सामर्थ्य नाम में वो लड़ाई झगड़े बंद हो जाएं, हर एक गंदी बदरुहा दुष्ट आत्माएं इनके घरों से चली जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। पवित्र आत्मा जी आशीर्वाद दीजिए, आशीष दीजिए मेरे परमेश्वर, ये फलवंत हो जाएं, जिन कामों में हाथ लगाएं, जिन कामों में हाथ लगाएं मसीह बहन यीशु के नाम में, ये काम फलवंत हो जाएं, जो काम बंद पड़े हैं वे काम खुल जाएं, जो काम बंद पड़े हैं यीशु के सामर्थ्य नाम में वे काम खुल जाएं, खुल जाएं यीशु के सामर्थ्य नाम में। मेरे परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे परमेश्वर उन बहनों के लिए जिन बहनों की कोखे बंद पड़ी हैं, जिन्हें बच्चे की आशीष चाहिए यीशु के नाम में, वो स्वर्गीय बच्चे की ब्लेसिंग इनके गर्भ में आने पाए मेरे परमेश्वर, बंद कोखे खुल जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। मेरे परमेश्वर बच्चे की आशीष दीजिए यीशु के नाम में। मेरे पिता मुझे विश्वास है अपने प्राणों को सुना है, इन सारी बातों को यीशु पिता मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ मेरे परमेश्वर, सुनिएगा और कबूल करिएगा। आमीन।